गाजीपुर बॉर्डर पर जब आप आएंगे तो आपको तमाम हजारों किसान मिलेंगे और उनके दुख दर्द हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो इस देश में मजदूर का भी वो शब्द जुड़ ही जाता है। क्योंकि जब देश भर में किसान की आय कम होती जाती है तो किसान आखिरकार उसी मजदूर वर्ग में शामिल हो जाता है, चाहे मजबूरी हो चाहे कोई और हालत हो। लेकिन जब किसान के बाद बना मजदूर और जब मजदूर की ही नौकरी चली जाए वो भी बिना बताए, तो अब वो मजदूर क्या करे। ऐसे ही मेरे साथ ये तीन मजदूर हैं जिनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कार्रवाई के रातों रात एक झटके में इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इनकी केस कोर्ट में लड़ी जा रही है, ये दर बदर हर जगह जा रहे हैं एक ही बात को लेकर कि इनकी आखिर क्या सजा थी, इनकी आखिर क्या थी, ये लोग की गलती क्या थी जिनकी वजह से इतनी बड़ी इन लोगों के ऊपर जुर्माना कंपनी ने लगा दिया। आप लोग पहले ये बताएं कि आप लोग कहाँ के हैं, उसके बाद आप लोग पूरी कहानी बताएं कि आप कैसे कैसे कंपनीज ने आप लोगों को निकाल दिया। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मेरा नाम राजेश पासवान है। मैं करीब यहाँ 95 से काम कर रहा हूँ, सन 95 से काम कर रहा हूँ, और हमारे आगे भी बहुत से मतलब पहले से काम कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद भी हम लोग को SI PF सब कटता था और हम लोगों को मतलब ऐसा कर दिया कि यही 5 फरवरी को एकाएक बिना नोटिस दिए हुए हम लोगों को बाहर निकाल दिया। बहुत सारे 5 जनवरी 2021 को हम लोगों को गेट से बाहर कर दिया और कहा कि भाई तुम लोग यहाँ पे काम नहीं करोगे। हम रातों रात बहुत सारे वर्करों को, नाबालिग वर्करों को लेके आया जो काम करने लायक नहीं है, उसे कंटेनर में रखा गया रातों रात, उसे निकलने नहीं, पोर्ट के अंदर से निकलने नहीं देता था और उसी में रह करके काम करवाता, वो बंधुआ के तरह उसको रखा गया और बहुत तरह के प्रताड़ित करे। जैसे जैसे उसके कोई तरह का मोहलत निकाल करके वो भागने की कोशिश करता था, फिर भी उसे आप लोग बताएं कि आप लोग जब पहुंचे आप लोग तो उस वक्त क्या हुआ आप लोगों के साथ। हम लोगों के साथ जब पहुंचे तो हम लोगों के साथ में ये हुआ कि पुलिस की पहरेदारी बहुत ज़्यादा थी, वो लोग उन्होंने हम लोगों को डंडा से बिल्कुल खदेड़ना स्टार्ट कर दिया, भाई तुम लोग का यहाँ रहना नहीं है, बिल्कुल बहुत दूर भगा दिया हम लोगों को, बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा है कि लगता है जैसे हम लोग इसमें कामे नहीं किया हूँ। और हम लोगों को बहुत तरह की सुविधा यहाँ दे रखा था पहले, अब हम लोगों को नहीं 2 महीने के पेमेंट नहीं दिया था, एरियल बोनस और मतलब कि PF। क्या कारण बताया पेमेंट नहीं देने का? नहीं, कहा कि भाई ऐसा है कि अभी पेमेंट नहीं मिलेगी, तुम लोग बाहर से लड़ो, केस लड़ो, अब तुम्हें हम अंदर नहीं करेंगे। हम कि हमारे पास में क्या कारण है, क्या दोषी है जो हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कंपनी का नाम बता दें और ये बताएं कंपनी क्या करती है। मेरे कंपनी का नाम है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, ICD पटपड़गंज, ये है कस्टम बाउंडेड एरिया है, यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की इम्पोर्ट और इम्पोर्ट की आयात निर्यात होती है और हम लोग उसी में काम करते हैं। ये बताएं कि आप लोग का कोई ID कार्ड उस कंपनी का बना हो, अगर है तो दिखा दें, और ये बात भी बताएं कि कोई नोटिस दी गई थी आप लोग हटाने के पहले? नहीं, कुछ कोई नोटिस हमको नहीं दिया गया है। मैं यहाँ से गया टिपन लेकर करके तो देखा पुलिस वाले वहाँ बहुत सा लगा हुआ है, सब पुलिस वाले सब बिका हुआ था उस टाइम। इतना मजदूर के पीछे पुलिस वाले के लगने का मतलब क्या हुआ? जब पुलिस वाले नहीं बिका तो इतना हमारे सबको रगेदा क्यों? पुलिस वाले 2-2 किलोमीटर रगेद के भगा दिया वहाँ से, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम सबको जा रहे अत्याचार किया। कोई काम में गलती है तो बताओ, हमारे कोई काम में गलती है तो बताओ, मगर मजबूरी में क्या? हमारे लेबर कोर्ट में भी का चल रहा केस, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा, 20 साल 22-24 साल हमको भी काम करते हुए इसमें हो गया 8-9 महीना से। कितने लोगों को निकाला गया? 284 बंदा हम उसमें हैं, 284 बंदा को एक झटके में बाहर कर दिया, 286 है 184 ऐसी, वो एक झटके में हमको बाहर कर दिया। वो कंपनी के मालिक साहब लोग भी मुलाकात हुई का, CWC का मैनेजर है, हमारा मैनेजर से बात चल रहा था तो मैनेजर पर केस है, कॉन्ट्रेक्टर आया, कॉन्ट्रेक्टर बोल रहा कि मैं लेबर को नहीं रखूंगा, तो हमारा केस जब तक नहीं केस जो फाइल होगा तभी तो नहीं रखोगे ने, हमारा लेबर कोर्ट में केस है, लेबर कोर्ट भी आदेश दे रहा, हाई कोर्ट भी आदेश दे रहा, कोर्ट को भी बात नहीं मान रहा है। आप लोग जो बात कर
कह रहे थे यूनियन से निकल जाओ तो फिर काम पे रखेंगे, वो क्या कहानी? वो कह रहा कि यूनियन से निकल, यूनियन अथी छोड़ दो तो मैं रखूंगा आपको। तो मैं यूनियन क्यों छोड़ दूं? यूनियन से हमारा हर सुविधा मिल रही है, उसमें तो यूनियन क्यों छोड़ दूं? यूनियन छोड़ दूंगा तो दो महीना काम करवाएगा और फिर ये भगा देगी। ये समझो कि श्रम कानून जो अभी लागू नहीं हुआ है, जो किसान का बिल ये भी है, किसान के मजदूर, हम भी किसान का बेटा हूँ मगर मजदूरी करने आया हूँ, आने रोजगार है बिहार में, मगर यहाँ पे श्रम कानून में बदलाव कर, लेबर कोड सरकार खत्म कर रही है, लेबर कोड सरकार खत्म ही कर रही है, यहाँ लेबर कोड में खत्म कर रही है और किसान का बिल के साथ में ये, तो कि जब लेबर कोड खत्म हो जाएगा तो मजदूर का सुनेगा कौन? वो दे रहा कॉन्ट्रेक्टर का, कॉन्ट्रेक्टर तय करेगी कि कितना घंटा काम कराएंगे, कितना तनख्वाह देगा वो, तो कॉन्ट्रेक्टर के हिसाब से कैसे मजदूर जिएगा। अच्छा आप ये बताएं कि आप लोग जब कोरोना महामारी जब चल रही थी तो उस वक्त आप लोग काम कर रहे थे या? काम कर रहे थे, हाँ बंद नहीं हुई थी, हाँ 3 दिन कंपनी बंद हुआ कोरोना में खाली मात्र, बस कोरोना मार्च में लगा था ना, 22 मार्च तक कोरोना चालू हुआ था, अब लास्ट 30 तारीख तक बंद रहा, उसके बाद कोरोना में बहुत काम चला उसमें, वो भी काम हम सब करके दिए, कस्टम विभाग ने पास बना के दिया कि लो ये रास्ता में कोई रोकेगा नहीं, अभी पास नहीं लाया हूँ, पास धरा हुआ घर पे कस्टम वाले, वो बोला कि इससे आइए जाइए काम करो आकर के, वो भी कोरोना में भी बंद नहीं हुआ ये काम। तो आपकी बात अब कौन आगे रख रहा है, आप लोग केस में जा रहे हैं? तो लीडर हैं अनुराग सक्सेना यूनियन का, CI2 का, CPM, ये ट्रेड यूनियन है हमारा, तो वही आगे बात रख रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम लेबर कोर्ट में चल रहा हमारा केस, अब कर रहा केस, तुम फाइनल करोगे तय आओगे, क्योंकि तो यहाँ ये भी उठा रहा मुद्दा कॉन्ट्रेक्टर ने कि 55 साल के बाद से मैं नहीं रखूँगा, तो ठीक है वो 25 साल काम किया, उसको ग्रेजुएटी देके निकाल दो, जो देना देना है, जो हम सब को रखो, हम सब तो अब रोड पे भटक गए हैं, बताइए बाल बच्चे कहाँ से हम खिला पिलाएंगे, इतना दिन हमारा हो गया 22 साल, अब क्या कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, यही अब बताइए आगे आप लोगों का क्या, आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है या केस लड़ना है? चल रही है हमारा केस है हाई कोर्ट में, 11 का तारीख है और 9 तारीख का हमारा लेबर कोर्ट में है। अच्छा इतने दुख दर्द में भी, गम में भी आप किसान आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, क्या कारण है? किसान में हमारा यूनियन भी समर्थन में, 24 तारीख को हम 24 जनवरी को हमने यहाँ आए थे, किसान रैली में हमारा यहाँ भी अभी ऑफिस एक दिया हुआ है CI2 का, किसान का है, वो भी उसमें हम आते हैं, हमारे नेता भी बोले कि बैठे रहता हो तो 10 गो 5 गो आदमी वहाँ जाते रहिए, तालुक हम आपको काम इधर कर रहा हूँ थोड़ा किसान में भी, क्योंकि किसान हम भी हैं, हम भी तो किसान हैं, तो किसान को किसान नहीं हेल्प करेंगे तो क्या करूँगा, किसको करूँगा, अब तो सरकार दो ही गो के मार रहा है जान, किसान मजदूर को, जब किसान मजदूर रहेगा नहीं तो ये भारत को चलाएगा कौन? एक किसान है अन्नदाता और मजदूर है मेहनत करने वाला, ये दोनों नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा, यही दोनों पे सरकार को निशाना है, ये तो बड़ों का है, कहा गया था मोदी जी बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ नहीं, सबका साथ अडानी का विकास से कर रहे हैं, बड़ों का विकास कर रहे हैं, तो कैसे होगा बताइए आप, बड़ों अधोपति को ये विकास कर रहे हैं तो हम सब साथ देते हैं, किसान मजदूर वोट देते हैं, आइए साथ करते हैं, अडानी अबानी को विकास करने में लगे हुए हैं। अच्छा सरकार ने कई मजदूरों के लिए जो स्कीम निकाले हैं, नए नए सरकार जो बड़े बड़े वादे करते हैं, हमने मजदूरों के लिए ये निकाल दिया, ये फलाना स्कीम है, रेडी निकालने के लिए स्कीम है, इनकी कोई मदद आप लोग को मिली है क्या अभी तक? ये जुमला है, ये सारा चीज जुमला, मोदी जी क्या बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया खाता में डालूंगा, क्या एक चीज आया? सारे चीज उनका जुमला है, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो क्या किए, सारे उलट सीधा कर करके कभी देखे थे इतना घंटा की? मजदूर तो आप लोगों को कोई बेनिफिट मिला क्या मजदूर को लेकर? कुछ भी, एक पैसा नहीं हमारा बेनिफिट मिला मोदी सरकार से, एक पैसा नहीं, ये दोनों एक निशाना इनका है किसान मजदूर पे खाली, बस अब किसान मजदूर के खत्म करो तभी कोई काम इनको, इनको यही दुगो पर निशाने हैं और किसी पे नहीं। शुभ नाम क्या हुआ? सूरज यादव, बिहार भी है। और देखिए कि राकेश मैं तो इनके जैसे, सूरज यादव जैसे 284 मजदूरों को एक साथ रातों रात एक झटके में कंपनी से निकाल दिया गया, किसान के बाद ये लोग मजदूर बने और मजदूरों की भी जिंदगी का कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार लेबर कोड को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए ही तो लेबर रिफॉर्म किए गए हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।